बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानों का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को विवादित बयानों से बचने की नसीहत दी थी। इसके बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान दिया है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य दिल्ली के जंतर मंतर पर एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को धोखा कहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयानों में कहा कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं बल्कि एक धोखा है। सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में वैसे भी अपने आदेश में कहा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये लोगों के जीवन जीने की शैली है। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बार बार कहा है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये जीवन जीने का एक तरीका है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। जब ये लोग ऐसे बयान देते हैं तो किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचता, लेकिन अगर मैं ये कहता हूं तो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच जाता है। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य का ये कोई पहला विवादित बयान नहीं है। इससे पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू और सनातन धर्म को लेकर कई विवादित बयान दिए हैं। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर भी विवादित बयान दिया था। वहीं कुछ दिन पहले लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव महाब्राह्मण समाज पंचायत के सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उनके सामने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को लेकर ब्राह्मण समाज के लोगों, सपा प्रभुत्व सभा की राज्य कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नाम लिए बगैर आपत्ति जताई थी। साथ ही पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने ऐसे बयानों पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने सहमति जताते हुए आश्वासन भी दिया था। अखिलेश यादव ने कहा था कि ऐसे बयानों पर अंकुश लगना चाहिए। उन्होंने सभी नेताओं को नसीहत दी थी कि किसी भी धर्म या जाति पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर अखिलेश यादव की नसीहत का कोई असर नहीं हुआ। वहीं सपा सांसद डिंपल यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पर सफाई दी है। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि पार्टी उनके बयानों का समर्थन नहीं करती, ये उनका निजी बयान है।